हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में अभी तक तो मेरी स्क्रीन देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है और ये कौन से नए वर्ल्ड में तू आ गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो पुराना वर्ल्ड था वो एप्लीकेशन फाइल के अंदर है और एक्सटर्नल नहीं। और ये जान के मुझे बहुत दुख है कि मैं आगे अपडेट नहीं कर पाऊँगा मेरा गेम। तो इसीलिए अभी जब तक मेरे पास ये फ़ोन है तब तक तो मैं उसी वो वर्ल्ड खेलूँगा। पर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड मैंने एक्सटर्नल में लोड किया है और मैं इसके आगे जब मैं नया फ़ोन लूँगा तब मैं इससे खेलूँगा इस वर्ल्ड के अंदर। तो मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ आज। तो मैं ये वर्ल्ड भी मुझे एक इस वर्ल्ड में तो अभी तक ये विलेज मिलता है, डेजर्ट विलेज। और मैं ज़्यादा कुछ इसमें करने नहीं वाला, और कुछ करूँगा तो ऑफलाइन में कर लूँगा क्योंकि आगे मुझे एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत ना करना पड़े। अगर आप लोग चाहते तो अभी से भी मैं इसका विंडो डालना चालू कर सकता हूँ। और मैं पहले तो ये सारे विलेज के घर लूट लेता हूँ पहले, तो फिर आप लोग से मिलता हूँ। क्योंकि अभी मुझे मतलब बहुत सारे घर है इसके अंदर, और एक तो बहुत लंबे लंबे घर है और उन घर के चेस्ट भी एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं फटाफट घर लूट के आता हूँ। मैंने लगभग सारे घर तो लूट लिया है। अब देखो मुझे ये टूल स्मिथ का घर मिला है, शायद से इसे टूल स्मिथ ही बोलते हैं, ये वाला नहीं उधर जो है। तो अभी मुझे इधर सब लोग बोलते हैं कि डायमंड्स मिलते हैं, इजीली मिल जाते हैं मतलब, तो मैं भी चेक करने वाला हूँ। और भाई साहब एक डायमंड मिल गया मुझे, वाह, मैंने सोचा नहीं था मतलब, पर मुझे डायमंड मिल चुका है। तो भाई बहुत ही अच्छा हुआ मेरे ख्याल से तो। और इसके पास एक एन्चांटेड स्वॉर्ड दे रहा है अगर इसको लेवल 2 करे तो इस वर्ल्ड में तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। सोच रहा हूँ इनमें से एक घर अपने लिए चूज़ कर लूँ और उसमें ही रह लूँ मैं। और ये तो अच्छा नहीं है। एक दूसरा घर मैंने देखा था ब्लू बेड वाला, मैं उसमें रहूँगा। ये वीडियो मैं छोटी बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नया वर्ल्ड है, इसमें मैं बस आप लोग को बताने आया हूँ। तो देखो ऐसे ऐसे ऊपर चेस्ट है एकदम, तो इसीलिए मेरे को बहुत टाइम लग रहा था इन घरों को लूटने के लिए। तो मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि यही वर्ल्ड है जो हम लोग को आगे काम आने वाला है। और ये माइनक्राफ्ट का मेरा पार्ट 20 है, समझ लो जब तक मेरे पास ये फ़ोन है तब तक तो मैं बहुत सारे पार्ट्स बना ही सकता हूँ। मैं हर दिन एक पार्ट बनाता हूँ, तो करीबन 50 पार्ट तो वही जाने चाहिए, 50 या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत पुराना है तो इसीलिए जल्दी ही चले जाएगा और मैं दूसरा ले लूँगा। इसीलिए अभी तक तो मैं उसी वर्ल्ड में खेलूँगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, तो उसीलिए मैं उसी में खेलूँगा ज़्यादातर। तो जब मेरा नया फ़ोन आएगा तब मैं नए वाले में खेलूँगा। तो आज का वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी क्योंकि मैंने पूरा एक वीडियो आपको बताने में ही लगा दिया कि मतलब क्या क्या मैं करने वाला हूँ, इसके लिए सॉरी। आप लोग भी सोचते रहेंगे मतलब एक वीडियो में बस मैंने यही बता दिया, तो इसके लिए सॉरी। तो और कुछ तो है नहीं, मैं अपने लिए एक घर चूज़ कर लूँगा, उसके अंदर अपना कीमती सामान रख के फिर ये बंद कर दूँगा और अपने पुराने वर्ल्ड में ही खेलने वाला हूँ। और चलो तो फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में अभी तक सोची ही नहीं है किसके ऊपर डालने वाला हूँ, पर कोई नहीं, वो वाली तो कल तक आ ही जाएगी वीडियो। अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है ज़्यादा, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि कल तक वो वीडियो डाल दूँ। तो चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊँचे पूरा कोहरा